फरसगांव नगर के बाजार पारा स्कूल के सामने एक 10 वर्षीय बच्चे को तेज रफ्तार बाइक चालक ने ठोकर मार दी, जिसके बाद बच्चे का दायां पैर टूट गया। बच्चे को फरसगांव अस्पताल से बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार नगर के पटेल पारा निवासी सूरज नेताम, पिता सहदेव नेताम, उम्र 10 वर्ष, जो नगर बाजार पारा स्कूल में कक्षा तीसरी का छात्र है, जो 4 मार्च शुक्रवार को 4 बजे के बाद स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहा था। रोड पार करने के दौरान स्कूल के सामने हो रांधना की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक क्रमांक CG19B5167 के चालक ने बच्चे को ठोकर मार दिया। इस ठोकर से बच्चे का दायां पैर टूट गया, साथ ही चेहरे पर भी चोट आई। घायल बच्चे को तत्काल स्कूल स्टाफ के द्वारा उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल लाया गया। वहीं बाइक चालक फरसगांव अस्पताल तक आकर फरार हो गया। फरसगांव खंड चिकित्सा अधिकारी एल जूरी ने बताया कि बच्चे का पैर टूटने के चलते उसे फरसगांव अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया। फरसगांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। ये सूरज नेताम 10 साल का स्कूली बच्चा है, इसको घायल अवस्था में यहाँ के अस्पताल में लाया गया था। देखने पर यह पता चला कि इसका जो दायां पैर है उसमें टीका पूरी कंप्लीट फ्रैक्चर है, तो इसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उचित उपचार दिया गया।